मैंने यहाँ पे शॉपिंग करी और पैसे हैं निश्चय के पास और वो कहाँ घूम रहा है पता ही नहीं, फोन नहीं उठा रहा। ये आ रहा है, ये क्या ला रहा है, क्या लेके आ रहा है, भेलपुरी लेके आ रहा है, फोन तो उठा ले। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। What's up guys, good morning। आज सुबह सुबह मलन साहब, हैप्पी वैलेंटाइन। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आपको फूल दिया, दिस इज साइन ऑफ लव, थैंक यू। मेरा प्यार आपके लिए हमेशा बना रहे। हैप्पी वैलेंटाइन कान्हा जी। मेरे अलमारी की चाबी मेरे पर्स में थी और वो रह गया हमारा गुड़गांव में, हमारे नए वाले घर में। बुलाया था चाबी बनाने के लिए लेकिन अनसक्सेसफुल रहे भैया, बनी नहीं चाबी हमारी। और अब बुलाया था भैया को लेकिन वो कह रहे कि चाबी बननी नहीं है। क्या करूं, ऐसा आपका कोई उधर चक्कर लगना है गुड़गांव? तोड़ दो, तोड़ दो, यूं करवा खींचता है। अच्छा, अभी कोई अन्य डोले बनाया है, यूं ही करना है। चल फिर हो जा शुरू, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे को वो, तोड़ अच्छा, दे, तोड़ दे, कर भी दे, फिर अभी देखना परमानेंट टूट जाएगी, ये देख लो। नहीं 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 तोड़नी, कोई बात नहीं, मैं दो दिन ऐसे ही कपड़े पहन लूंगी लेकिन चाबी लगा के ही खोलेंगे, तोड़नी नहीं है। अरे समझदार बंदे के पास आ। हाँ जी समझदार बंदे जी, समझदार बंदे के पास ऐसे है, उनको फोन कर, कह के हमारी वो पर्स में से चाबी निकाल के पोर्टर के थ्रू भेज दे, पर्स और मोबाइल वहीं रह लेते, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा समझदार सर, ओके। तो ब्रेकफास्ट के बाद ये पुत्र मेरा रेडी हो गया था, मैंने सोचा बाहर जा रहा है, आज वैलेंटाइन डे है शायद, लेकिन नहीं, घर पे शूट कर रहे, मुझे लगा बाहर जा रहे। मैं एक बात बताऊं, अगर आज मैं शूट करने भी बाहर जाता ना, हाँ, तो आपने शक कर लेना था, हाँ, इसलिए मैंने शूट ही घर पे रख लिया। बहुत बढ़िया करा, बहुत बढ़िया करा। पापा तो जा रहे पर वैलेंटाइन डे मनाने। पापा यहाँ से बाथरूम में हिलके चले जाएं, वही बहुत है। वैलेंटाइन डे मनाने जाना है इन्होंने। पापा वैलेंटाइन डे मनाने नहीं जा रहे क्या आज? जो इंसान एनिवर्सरी पे कहता है कि मैं पार्क ले जाऊं। पापा जाओ, आप तो वैलेंटाइन आपके साथ थोड़ी मनाएंगे। He has many cute aunties for Valentine's. मेरे साथ नहीं जाएंगे, लेकिन ये किसी के साथ भी नहीं जा सकते। इस बंदे ने हिला ही नहीं है। लोगों आप इधर आओ, आप लोग पूछते होंगे कि पापा को मम्मी ने सेलेक्ट क्यों किया, तो उसका रीजन यही था, मम्मी ने देखा कि ये आदमी तो जब मुझे ही नहीं घुमा सकता तो किसी और को क्या घुमाएगा। क्या बात है पापा, बिल्कुल सही बोला ना। ये हाथ जोड़ने वाला क्या बात है बताओ। खैरे तू बख्श मेनू, बस मेरे ना गल ना कर, बस तुमने जो बोल लिया वो ठीक है, बस मेरे से मत बोलो कुछ। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया और अब मैं फ्री थी तो मैं हो गई रेडी, क्योंकि आज मेरा शॉपिंग का मूड था, तो मैंने कहा चलो फ्री है शॉपिंग करने चलते हैं। तो मलन साहब एज यूजुअल एज ऑलवेज कहते मैं थक गया हूँ तेरे साथ शॉपिंग कर करके, तो आज मैं नहीं जा रहा। तो मलन साहब आप भी चल सकते हो, क्या करोगे घर पे? काम कौन सा? एक पेपर लेके बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन सा काम करना हो रहा है। मैं कैब में जा रही थी लेकिन मेरा ये जो सुपुत्र है ये कह रहा आप अकेले क्यों जाओगे, मैं आपको लेके जाऊंगा। ये देखो ये रेडी हो गया मेरे साथ जाने के लिए, मेरा गाड़ी मैं चलाऊंगा, वारी जावा सदके जावा। कह रहा कैब में नहीं जाना, मैं लेके जाऊंगा गाड़ी में और शॉपिंग भी करवाएगा, बताओ क्या बात है। और उस चक्कर में सुबह सुबह जल्दी नहा भी लिया, बताओ। मैं खुद जिंदगी में कभी शॉपिंग नहीं करी, मम्मी को शॉपिंग कराने लेके जा रहा हूँ, मम्मी को लेके जा रहे, क्या ही बात है। तभी मैं कहती हूँ नोनो तू नहीं होता तो क्या होता, अपनी अलमारी तो अपनी बंद है ना, अपने पास पर्स है, आज ये देखो ऐसे पॉकेट में पैसे रख के लेके जाएंगे। मलन साहब आपने जाना नहीं तो एटलीस्ट पैसे तो दे दो, आज अपनी पॉकेट खाली है, अपने पास बैग भी नहीं है, क्या करें, भैया से अलमारी नहीं खुली, बताओ। अब शार्क टैंक ही देखी जा रहा है, चलिए पिताजी 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 दरवाजा बंद कर लीजिए पिताजी। बुढ़ों को तंग कर रहे हो।
मैंने यहाँ पे शॉपिंग करी और पैसे हैं निश्चय के पास और वो कहाँ घूम रहा है पता ही नहीं, फोन नहीं उठा रहा, बताओ। मैंने बिल भी करवा लिया और ये आ रहा है, ये क्या ला रहा है, क्या लेके आ रहा है, भेलपूरी लेके आ रहा है। फोन तो उठा ले, भेलपूरी खानी ज्यादा जरूरी है। अरे इतनी मेहनत से लेके आया हूँ तो फोन क्यों नहीं उठा रहा, वो पैसे मांग रहे हैं बिल करवा के और तू खुद गायब। मेरा पैसा नहीं है। थोड़े पैसे दे दो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। शॉपिंग डन एक तो पैसे नहीं दिए, दूसरा भेलपूरी नहीं दिए और क्या, भाग गया कह रहा कि अपना जेब मेरी खाली हो गई, कह रही हैं पैसे। मैं वहां वेट करती रहेगी और ऊपर से भेलपूरी लेने क्या अकेले खा ली। आप बताओ, आप शॉपिंग कर रहे हो, अंदर कपड़े ढूंढ रहे हो, 1000 कपड़े देखने के बाद आपको कुछ एक भी नहीं पसंद आ रहा है तो मैं क्या करता, मेरे को भूख लगी मैं जाके भेलपूरी खा रहा है। अब मैं भेलपूरी अंदर लेके आने लगा दुकान के तो गार्ड ने मना कर दिया, कह रहा नहीं भाई अलाउड नहीं अंदर, तो मैं बाहर ही खड़े होकर खाए जा रहा हूँ। मैं अंदर देख रहा हूँ आप खड़े हुए हो, मैं बाहर से वासे भी मार रहा हूँ, हेलो भेलपूरी खाओगे तो अब तो खिला दे। चलो मम्मी भेलपूरी से पहले भैया ने स्टार्टर दे दिए, कह रहे खाली मत खड़े रहो, ये खाना शुरू करो। अरे बहुत बड़ी टेस्टी भेलपूरी बनाई थी, दो ली है, मैं अभी भी एक और खाऊंगा। एक खा के एक और। दिल्ली में रहते हुए कभी रजौरी मार्केट घूमने नहीं आया, पहली बार रजौरी मार्केट घूमने आया हूँ। मम्मी देखो जब मैं आती रहती हूँ, मम्मी देख लो आपके लिए शॉपिंग करने आया हूँ, मतलब 2 घंटे से बस वहाँ पे खड़ा हो, 10,000 साड़ियाँ खोल दी भाई ने, एक भी पसंद नहीं आई। मैं बोला ये अच्छी है, मैं ये अच्छी है, फिर मैंने गिव अप कर दिया, मैंने कहा आप जो करना है करो, मैं तो बस खाऊंगा। ऐसी ऐसी है ना, क्या करूं, मैं अब खाना ऐसी वैसी चीजें पसंद नहीं आती ना, क्या करूं। बताइए फिर मैडम टेस्ट करके कैसी लगी। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं चखिए, अभी चखिए ऑन कैमरा। हाँ ओहो भैया ने देखो ऊपर टॉपिंग भी कितनी मस्त करके दिया है, फिर कैसी है। वही कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, सुंदर बना दी उन्होंने, सुंदर बना दी। हाँ वो बताओ कि इतनी सारी क्वांटिटी भी दे दी 60 रुपए में। मैं भैया की प्रमोशन क्यों कर रहा हूँ। पर मुझे अच्छा लगा भाई, इसलिए वो स्वाद है भैया, बहुत अच्छी है। मुझे ले लो मम्मी, मुझे ले रही हूँ, मुझे ले लो। दूसरे गरम वाले सॉक्स भी दिखाना। देख रहा हूँ मैं मम्मी को बार्गेन करते हुए। बार्गेनिंग तो करी नहीं मैंने अभी, मैं तो अभी सामान ही निकलवा रही हूँ, वो बाद में करूँगी, वो बाद में होगा। पहले भेलपूरी अब चुस्की, ये बच्चों वाले शौक थे ना। काला खट्टा तो वही तो कह रही हूँ, चुस्की ले रहा है अब। बर्फ का गोला कहते हैं हमें से। हाँ बर्फ का गोला, तो कह रही तू कब बड़ा होगा। भाई बंदा कितना भी बड़ा हो रहा है, खाने पीने में शौक अलग बात है भाई, अपना है शौक है। ठीक है सर। मिर्ची लगी वैसे मेरे को भी, मैं भी खा ही लेती हूँ वैसे। कब बड़े हो गए मम्मी, प्रोसेस दिखाओ वो बनाने वाला, वो देखो। पहले बर्फ, फिर बर्फ में नींबू, फिर उसके अंदर वो शरबत। हाँ 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 मेरी बारी कब आएगी। आप अपना दूसरा ले लो, मैं बता रहा हूँ ये तो मैं नहीं छोड़ रहा, बहुत मजेदार। मुझे भी यही लग रहा है, मेरे को अलग से लेना पड़ेगा। हाँ भैया एक और बना देना, उस साइड चलते ना, हमारी गाड़ी तो उधर है। आप पहले गोला तो खा के बताओ कैसा लगा। बढ़िया है, बहुत अच्छा, मजेदार है ना, बहुत मजेदार है। अब बस... आप बोलू आपके शौक कब होंगे मम्मी, बच्चों वाले। मुझे तुझे देख के लालच आ गया ना, क्या करूं। मूंगफली नहीं, ये देख तो शुगर कैंडी। अब ये बुड्ढी माई का चाटा भी चाहिए। नहीं ये मेरे को नहीं खाना, बहुत ऑलरेडी बहुत मीठा हो गया है। पॉपकॉर्न खा सकते हैं, मेरे को तो यही खाना है। चलो फिर घर जाके और गला खराब, अब घर चल लेते हैं। घर जाके देखना गला खराब हो जाएगा, गला तो ऑलरेडी खराब है। गोले वाले भैया को बोला कि रहने तो दूसरा मत बनाओ, मम्मी कहती गला खराब है, तो भैया कहते हैं कोई नहीं बहन जी, बर्फ को बर्फ ही काटती है, गला खराब है और ठंडा भी हो सही हो जाओगे।
कह रहा मेरी गारंटी है नहीं खराब होगा। बोले वाले भैया सेल्समैन बहुत बढ़िया थे, कह रहे गला नहीं खराब होगा, ऑलरेडी खराब है तो सही हो जाएगा। मुझे गाड़ी में बिठा के खुद वहाँ शोरूम में घुस गए कि मैं अपने फोन पे स्क्रीन गार्ड लगवाता हूँ, उस पे कवर चढ़ाता हूँ। मेरा गोला पूरा खत्म होने वाला हो गया और ये अभी तक नहीं आया। देख के आती हूँ कि कर क्या रहा है ये। मैं अंदर जाने ही लगी थी तो आ गए भाई साहब अंदर, लोगों ने पहचान लिया है उनको, फोटो सेशन हो रहा है। ओके, तो फाइनली शॉपिंग करके हम आ गए। ये देखो हमारी शॉपिंग, एक साड़ी ली थी मैंने, एक नहीं दो, वो अभी फाइनल होके मिलेंगी दो दिन बाद फिर लेके जाएगा। फिर से मेरे को आना है, दो दिन बाद फिर लेके जाएगा मेरे को ये। ओके, थैंक यू नोनो शॉपिंग के लिए, मजा आया। भेलपुरी खाई, आपको मजा आनी चाहिए, आप खुश रहने चाहिए, बस और क्या चाहिए। भेलपुरी खाई, फिर चुस्की भी खाई, क्या बात है। फिर दवाई भी दिलवाऊंगा। सही बात है, तूने खिलाया तो तू ही दवाई दिलाएगा। आप कहाँ हो पहले ये बताओ। हेलो, तू कहाँ है? तू छुपा है कहाँ? यहाँ, ये दरवाजा कैसे खोल दिया तुमने? मुझे तो अभी लगा कि दरवाजा अभी खुला है। आप कहाँ थे? ऐसे खोल दिया दरवाजा। पहले इधर जवाब दो ना, आप कहाँ थे? मैं छत पे था। छत पे किसके साथ थे? कॉपी राइट आ गया इस पे, ये वाले गाने पे कॉपी राइट। आते ही तो बस कुछ देख रहा हूँ, शायद कुछ मिल ही जाए मजेदार सा। मजेदार सा पिताजी, ये लो आपका बिल। बड़ा बिल, हाय मेरा दिल। इन्होंने ही बोला था जितने मर्जी खर्च ली। मैं मना किता नहीं, तो मैं आप बिल दिखा रही हूँ। थैंक्स। देखो भाई, मैं अपने न्यू फोन के लिए कवर ले आया। लग जा ये बात। तू तो कह रहा मैंने ग्रीन लिया, तो ये ग्रीन ही है? ग्रीन तो नहीं लग रहा। ग्रीन है भाई, वाइट ही लग रहा है, मतलब वाइट का ग्रीनिश टोन है ये। बेसिकली मैंने पता वाइट क्यों नहीं लिया, क्योंकि वाइट हो जाता है गंदा, फिर वो गंदा लगता है। ये है ग्रीनिश टोन व्हाइट की, ये ऑलरेडी लग रहा है व्हाइट गंदा हो रखा है, तो अब ये गंदा होगा भी तो कुछ फर्क पता नहीं चलेगा, क्योंकि देख रहे हो पापा, ऐसे नहीं लग रहा, व्हाइट ऑलरेडी गंदा हो रखा है। ओके, तो निश्चय चला गया लाइव स्ट्रीम करने, और मैं भी कपड़े चेंज कर लेती हूँ और चली जाती हूँ किचन में, क्योंकि यार पापी पेट का सवाल है, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, और उधर से चाय का भी हुक्म हो गया है कि अब तो चाय पिला दे। लंगड़ना रात लंगड़ तेरे इश्क चेचना।